इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में, जो बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन होने वाला है। अब यहाँ पे Redmi Note 11 सीरीज भी इंडिया के अंदर तो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे Realme अपने स्मार्टफोन्स को रिलीज़ कर रहा है इंडिया के अंदर, तो इससे कंफर्म होता है कि Redmi Note लाइनअप सीरीज़ का भी स्मार्टफोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे Redmi Note 11 सीरीज़ Redmi Note 10 सीरीज़ का यहाँ पे सक्सेसर होगा, तो जो कमी हम लोगों को Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर मिला है, शायद रिफिल इस बार हम लोगों को Redmi Note 11 Pro के अंदर होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही बेस्ट स्पेक्स इस फोन के अंदर मिलने वाला है। नो डाउट यहाँ पे Qualcomm के तरफ से लेटेस्ट चिपसेट मिलेगा Snapdragon के 7 सीरीज में 775G, जो एक न्यू चिपसेट होने वाला है, जो बहुत ही बेस्ट होगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही अच्छा हम लोगों को परफॉर्मेंस ऑफर करने वाला है, और यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगा और 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो बेस्ट कैमरा होने वाला है। मतलब यार यहाँ पे स्पेक्स वाइज बहुत ही अच्छा हम लोगों को स्पेक्स Redmi Note 11 सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं Redmi Note 11 Pro के परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे कंफर्म है कि Redmi Note 11 Pro के अंदर मिलेगा Qualcomm Snapdragon 775G चिपसेट, जो बहुत ही अमेजिंग चिपसेट होने वाला है। 2.6 GHz पे क्लॉक है। क्लॉक स्पीड सबसे मेन होता है चिपसेट का, जो इस फोन के अंदर हम लोगों को बीस्ट मिल रहा। मतलब परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा। प्लस इस फोन के अंदर डुअल 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलने वाला है, जो इस बार भी हम लोगों को Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर नहीं मिला। मतलब Redmi Note 10 Pro के अंदर नहीं मिला, इसलिए कंफर्म है कि Redmi Note 11 Pro के अंदर डुअल 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलेगा। 6GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज मिलेगा। LPDDR4X RAM UFS 3.0 स्टोरेज का सपोर्ट इस फोन के अंदर मिलने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। इस फोन के अंदर हाईएस्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, विद सुपर एमोलेड पैनल। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म है इस फोन के अंदर एमोलेड पैनल ही मिलेगा। अब यहाँ पे 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, जो फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है, विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और एक सिंगल पंच होल मिलेगा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर शिफ्ट किया गया। ऐसे डिस्प्ले वाइज बहुत ही अमेजिंग स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस फोन के डिस्प्ले में बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट मिल रहा है, वो भी रिफ्रेश रेट को लेकर के। और यहाँ पे हम लोगों को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा, तो समझ जाओ डिस्प्ले एक्सपीरियंस हम लोगों को Redmi Note 11 Pro के अंदर काफी अच्छा मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बीस्ट क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग कैमरा सेटअप होने वाला है, और यहाँ पे प्राइमरी शूटर मिलेगा 200 मेगापिक्सल का। अब ये कैमरा ना सैमसंग के सेंसर के साथ ही आने वाला है, क्योंकि सैमसंग का पहले स्मार्टफोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जो अभी इन द फ्यूचर मिलने वाला है। अभी इस फोन के बारे में बस र्यूमर्स है कि इस फोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग और बीस्ट कैमरा होने वाला है। यहाँ पे इमेज क्वालिटी हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस और डेप्थ सेंसिंग मिलने वाला है इस फोन के अंदर। बात करते हैं सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर यार ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यहाँ पे मिल सकता है 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 5200 mAh का बैटरी, जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बैटरी में भी हम लोगों को काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और यार यहाँ पे बैटरी बैकअप हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा। चार्जिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा चार्जर इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, 120 वॉट का, जो Qualcomm क्विक चार्जर होने वाला है, और ये चार्जर इन दी बॉक्स से मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर Redmi Note 11 Pro का एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है इंडिया के अंदर 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे। मतलब आप लोगों को 20,000 रुपये के प्राइस पॉइंट तक Redmi Note 11 Pro इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। इस फ़ोन के अंदर बहुत ही अमेजिंग स्पेक्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अपना ओपिनियन बताइए कि इस फ़ोन का स्पेक्स कैसा है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि यार बेस्ट स्पेक्स मिल रहा है, वो भी 20,000 रुपीज़ तक के प्राइस पॉइंट पे। इस फ़ोन का प्राइसिंग ऑलमोस्ट कन्फर्म भी है। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।